Welcome to EQ International, India's largest solar media organization. Joining us today is Mr. Hardik Ved, who is the tech head Banga Solar, and Mr. Ibrahim Rawat, who is the business development manager at Banga Solar. Welcome, sir. Welcome. Before we start the interview, why don't you tell us something about the company? Yeah, sure. Basically, we were established in 2018 and we are in this chain of distribution network across India, and we are with very good products like Solis inverters, Nongi modules, and also we are supplying BOS like ACDB, DCDBs, cable ties and super connectors. So you can get one-stop solution from this network. Okay. So, would you like to tell us about the Indian market scenario right now with regards to your company, as well as what are the top states that you have supplied your products to? Yes, in top states we look in India, that is Maharashtra, this Gujarat, and even Rajasthan. It's a very good potential and very good market, so we are capturing, and still it's a very big market. So we are in this supply chain. And we want to expand very wide. Okay. So, how much have you supplied in the domestic market so far? Till now, in inverters, we have supplied more than 500 plus megawatts. Okay. And in modules, 50 plus megawatts we have supplied. Okay. So, I would like to take this question to Mr. Hardik. Yes. Indian government has been raising concerns regarding malware in inverters. Yeah. So, what is your opinion? Is it a matter of concern, and what could be the way forward? Malware function is a normally, it is a not a major issue. Malware function is a software issue which have a inverter inbuilt in inverter technology. Okay. Like आप देखते होंगे कि inverters में कोई कभी time में क्या होता है कि fault originally नहीं होता है. लेकिन वो इन्वर्टर के माल फंक्शन की वजह से आपको क्रिएट हो सकता है. अच्छा. तो हम नॉर्मल अपडेट्स के थ्रू वो रिड्यूस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं. वही अपना कोर पॉइंट्स है कि हम आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अपने पास स्किल पर्सन है उसको सॉल्व करने के लिए. दैट इज़ द मेजर पॉइंट, और वो सॉल्व हो सकता है ईजीली. ओके. क्या आपकी कंपनी आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, और किस टाइप की? अगर या वी हैव आवर ओन सर्विस टीम, एंड सोलिस आल्सो हैव अवर देयर कोर टीम फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट आफ्टर सेल सर्विस. और मेन कंसर्न आज के मार्केट में यही है इन्वर्टर ब्रांड्स में, कि आप इन्वर्टर ले तो लेते हो, अच्छी क्वालिटी पे ले रहे हो, पर आफ्टर सेल सर्विस आपको सही नहीं मिल रहा है. तो उसी के लिए सोलिस जाना जाता है इंडिया में, कि वो अपने अपनी जो आफ्टर सेल सर्विस है उसको पिछले 6 साल से अच्छे से मेंटेन कर रहा है. और उसमें हमारा पार्ट ऐसा है कि जो सेल्स होता है आफ्टर सेल सर्विस, वो पूरा डिपेंड रहता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू. आपको जो भी क्लेम करना है मैन्युफैक्चरर को क्लेम करना है. तो बांगा सोलर क्या प्रोवाइड करता है कि आपका एक मीडिएटर लेवल है जो कि आपको सीमलेसली आपका जो भी क्लेम है वो क्लेम करवाता है. तो हम एक मीडिएटर है क्लाइंट और मैन्युफैक्चरर के बीच में, जो आपका जो भी प्रोसेस है उसको सीमलेसली और बहुत फास्टर वे से कंप्लीट करवाता है. तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस बांगा सोलर के थ्रू जाते हो तो बहुत अच्छा मिलता है, और वही हमारे क्लाइंट्स हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं इस वजह से. ओके, दैट्स रियली नाइस टू हियर. BCD has been an increasing cause of concern for a lot of people now, and you as distributor company, if I'm not wrong, आप लोग के लिए BCD किस तरह से आपको इम्पैक्ट करता है? देखिए, BCD एक कंसर्न तो है, क्योंकि ये मार्केट को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है. बट उसका प्लस पॉइंट ये है कि इंडियन मार्केट का ग्रोथ बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन रिसर्च भी होगा. बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि अप टिल नाउ 2030 का स्कोप है गवर्नमेंट का, बहुत ही अच्छा स्कोप होगा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ इट. एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटर, सो वी कैन कनेक्ट विद इंडियन ब्रांड्स ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट द अपकमिंग BCD, बिकॉज वी आर एट प्रेजेंट इन चाइनीज ब्रांड्स. सो BCD विल इफेक्ट अस, बट वी आर नॉट टू होल्ड दैट. We have to grow with Indian brands also. Okay. So are you considering aligning with more Indian brands as well in the future? Not yet, but we will. Okay.
प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, आपका कोई नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाला है इन ऑफ ग्रिड बैटरी स्टोरेज और ग्राउंड माउंट सॉल्यूशन? ईवी, अभी ईवी बहुत ही बढ़िया बढ़ रहा है आगे और ग्रोइंग मार्केट है. सो इन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स एंड ऑफ ग्रिड बैटरी सिस्टम्स विथ ईवी टेक्नोलॉजीज विथ लिथियम आयन, वी विल increase this also in our supply products. Okay, and e-mobility Indian scenario ke hisab se aapka kya opinion hai? Bahut hi badhiya hai man. E-mobility to abhi to bahut hi acha scope bhi hai market mein. Okay. Aap kuch kehna chahenge? जैसे कि आप प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी सोलिस भी इसमें डेवलप कर रहा है, उसका R&D टीम है जो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट दे रहा है मार्केट में. जैसे कि उन्होंने अभी अभी बैटरी स्टोरेज के लिए इन्वर्टर्स का लॉन्चिंग करने वाले हैं, फिर अभी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स उन्होंने लॉन्च कर दिए अपने प्रोडक्ट रेंज में. तो वो डेफिनेटली अपने R&D टीम को डेवलप करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं. हाँ. और ये अपने फ्यूचर के लिए डेवलप करेंगे. ओके, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह से हेल्प कर रही हैं सोलर सेक्टर को इंडिया में बढ़ाने के, उसे और आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या फर्दर हेल्प कर रही है, कुछ प्रोवाइड कर रही है, या उल्टा हो रहा है, कैसे चल रहा है? अभी तो गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट दे रहा है. लुकिंग इन गुजरात, वी हैव सब्सिडी स्कीम्स, वी हैव कुसुम योजना, वी हैव स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स. सो गवर्नमेंट का है, पर इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का कभी कभार ऐसा होता है कि पॉलिसी कभी क्लियर नहीं होता है, या तो फिर डिले इन टाइमलाइंस, प्रोजेक्ट उसमें डिले होता है, तो ये एक दिक्कत है. बाकी ओवरऑल गवर्नमेंट अगर बूस्ट कर ही रहा है सोलर को, तो बहुत ही अच्छा मार्केट है. सो पॉलिसीज तो है, बहुत सारे स्टेट्स में भी है, आउट ऑफ गुजरात भी हम सप्लाई कर रहे हैं पॉलिसीज, रेजिडेंशियल एज वेल कॉमर्शियल पॉलिसीज. जैसे कि आप महाराष्ट्र स्टेट देखना चाहेंगे, महाराष्ट्र स्टेट में इंडस्ट्रियल कमर्शियल बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, और गुजरात स्टेट देखेंगे तो गुजरात में हर साल आपको 2 लाख प्लस होम कवर कर रही है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि एक सब्सिडी स्कीम है. गवर्नमेंट आपको सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड कर रही है गुजरात में, तो मोर देन 2 लाख होम्स पर ईयर. रेजिडेंशियल सॉल्यूशन में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा रहा है? राइट नाउ गुजरात. बिकॉज गुजरात हैव अ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई, एंड ऑन ग्रिड सिस्टम इज वर्किंग ऑन अ कंबाइंड विद द ग्रिड सप्लाई. ओके, दैट्स व्हाई. एंड CNI सेक्टर में? CNI सिस्टम में महाराष्ट्र. ओके, एनी फाइनल कंक्लूडिंग थॉट्स? फाइनल कंक्लूडिंग में यही बोलेंगे कि सोलर के साथ बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है, और वी आर ऑल्सो हम अपने EPCs को और जो भी मार्केट में जानकार है उनको सजेस्ट करेंगे कोई अच्छी ब्रांड के साथ जुड़े. ये लॉन्ग टर्म है, 25 years का वारंटी पीरियड्स रहता है. लॉन्ग टर्म आपका एक इंडस्ट्री आप लगा रहे हो, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हो, उसमें कंसिडरिंग ब्रांड एंड कंसिडरिंग इंजीनियरिंग आगे बढ़े और बहुत ही अच्छा. सेम मैम, कि आपको जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल साइड से, कि आप जो भी इंस्टॉलेशन कर रहे हो, क्लाइंट को जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसका रिलायबिलिटी, उसका बैंकेबिलिटी आप चेक करें, और आपका जो भी स्किल है उसको अच्छी तरह से उसको इम्प्रोवाइज़ करें, और इम्प्रोवाइजेशन के साथ आप अच्छा टेक्नोलॉजी क्लाइंट को प्रोवाइड कीजिए, क्लाइंट उससे अवेयर होगा और उससे अपना जो भी एनवायरमेंट के लिए जो कर रहे हैं वो ग्रीनेबल अपना हो जाएगा, जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू.